सबसे पहले आकर बोल देने की आदत हो गई, लेकिन आज मुझे रास्ते में ख्याल आया कि आज जो है 8 मार्च है, आज हमारा दिन है। पाला तो नहीं है, लेकिन पाला तो नहीं है। तो फिर हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव को कि आप लोग बात रखिए, लेकिन JNUSU का भी ज्वाइंट मार्च है इसलिए बात रखनी है। तो मैं GSCAS और JNUSU दोनों की तरफ से आप तमाम लोगों का सबसे पहले क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज 8 मार्च है, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और मैं नाम नहीं लूँगा उसका जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ। आज मैंने सोचा है कि आज उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है। बस इतना कहना है कि आज 8 मार्च है, पूरे देश में महिलाओं के हक अधिकार की बात की जा रही है, और आज के ही दिन हमारे कैंपस की एक साथी, हमारी दोस्त पढ़ती है आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में, और बता उसके साथ उसके साथ हमने फोटो खिंचवाया, तो एक साथ दो शिकार किया है मेरे खिलाफ अफवाह फैलाने वालों ने। उस स्टूडेंट को पहले तो टीचर बना दिया, क्योंकि तो हमारे आंदोलन में टीचर सबसे पहले आए थे, तो कहा कि सिर्फ स्टूडेंट नहीं, यहाँ के टीचर भी बर्बाद। और हम लोग बैठे हुए हैं एक सोफा पे, तो वो मुझे गोदी में बिठा दिया है। इन लोगों का हमको लगता है कि कुछ मेजरमेंट में दिक्कत है, थोड़ा ऊपर नीचे कर जा सकता हूँ। स्मृति जी बोलना है, स्मृति जी जानती हैं कि मैं वयस्क हूँ, मेरा उम्र 29 बरस है। अभी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मिला हूँ उनके ऑफिस में, उनसे रोड पे भी मिला हूँ एक बार, तो वो मुझे बच्चा कहती हैं, मतलब सब लोगों को रोज। और जो मेरी साथ रहती है, मेरी मतलब दोस्त है, मेरी उम्र की है, उसको टीचर बना देती हूँ। इनका मेजरमेंट थोड़ा गड़बड़ है, ऊपर नीचे करते हैं। खैर, आज 8 मार्च है, पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है। भारत में भी कुछ लोग हमसे कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो तभी देशभक्त हो, तो हम कई बार टीवी डिबेट में इस बात को बोले हैं कि देशभक्ति क्या है और देशभक्ति क्या नहीं है। वो संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग में भारत की माता भी हैं तो उनकी भी जय कहिए, भारत के पिता भी हैं उनकी भी जय कहिए, भारत की बहनें हैं उनकी भी जय, भारत के जो भाई हैं उनको भी जय, भारत के जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी भी तो जय बोलते हैं। देश में पता नहीं हमेशा जो है एक बाइनरी बनाने की कोशिश की जाती है, और लगता है कि बस दो ही चीज़ है, दिन और रात। भाई, दिन रात के बीच में शाम भी होता है, दोपहर भी होता है, इसका फर्क समझो। और इसका फर्क जो लोग नहीं समझते हैं उनको यह सरकार जो है बेवकूफ़ बनाती है। मसलन जब JNU का मसला हुआ, नेशनल एंटी नेशनल का मसला रोहित बेमुला के केस में भी चला था, उनको जो चिट्ठी लिखी गई थी उनके बारे में दत्तात्रेय जी के द्वारा, उन्होंने कहा था कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं। तो एंटी नेशनल फेसबुक का वो स्टिकर है इनके पास कि जब मन करे जहां करे फ्री में किसी के ऊपर चिपका डाले। आजकल ये लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इनके पास कुछ स्टिकर, जैसे आप आदिवासियों के हक की बात करेंगे, जैसे सोनू सूरी जी कर रही थी, उनके चेहरे पर सीट फेंका जाएगा। और आपको नक्सल ही बता दूँगा, अगर आप मुसलमानों के माइनॉरिटी के हक की बात करेंगे तो आपको आतंकवादी बता दिया जाए, अगर आप सबके हक की बात करेंगे तब आपको देशद्रोही बता दिया जाए। तो ये स्टिकर जो है इनके पास है, जिसको ये चिपकाते रहते हैं, फेसबुक स्टिकर, और वो स्टिकर जो है हम लोगों के ऊपर भी चिपकाया गया। खैर, कोई बात नहीं है, पहले में चीज़ें हैं, आएंगी।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात समझ में आई कि ये जो बोलते हैं ये खुद उससे मुकर जाते हैं। मसलन आज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान कि सेना से ज़्यादा बहादुर व्यापारी होता है क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेता है। मैं कहना चाहता हूँ अपने मीडिया के सभी साथियों को, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सब समझते हैं हमारे कहने, आपके माध्यम से हम दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं, जब हम कह रहे थे कि ये फॉल्स बाइनरी ये बना रहे हैं, ये बाइनरी इनका सही नहीं है, उस पर हमने अपने भाषण के दौरान तथा कथित कहा था। हालांकि ये शब्द आजकल इस्तेमाल होना बंद हो गया, सीधे सीधे आतंकवादी और देशद्रोही आरोपी कहने की भी जहमत नहीं उठाते, फैसला सुना दिया है कि हैं हम लोग। खैर, तो तथा कथित सैनिकों के मार्च के बारे में मैंने कहा था कि सैनिक के भेष में, वो सैनिक नहीं, सैनिक के भेष में एक खास विचारधारा के लोग हम लोगों को देशभक्ति का पाठ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, माता की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, जेएनयू की महिलाओं के बारे में इतनी भद्दी बात, इतनी गंदी बात फैलाते हैं, तो हम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या भारत माता की जय कहना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उस जिम्मेदारी के साथ इनका है कि नहीं है। एक तरफ जय बोलेंगे, दूसरी तरफ महिलाओं को वेश्या बोलेंगे, ये एक प्रोफेशन को भी डिमीन करने के साथ साथ ही साथ महिलाओं को लेकर के जो इनका नज़रिया, उस नज़रिए के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बात सिर्फ आज की नहीं है, थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा। 16 दिसंबर की जब घटना हुई तो मोहन भागवत जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा था कि इसके लिए जो है बाहर की संस्कृति जिम्मेवार है। कोई नेता कह रहा है कि ये लोग महिलाएं डेंटेड पेंटेड होकर के घूमती हैं, कोई कह रहा है आजकल जेल में है बापू जी, उन्होंने कहा है कि बहन कह लेती तो शायद बच जाती। मतलब क्या इस देश में महिला पुरुष का संबंध या पुरुष पुरुष का संबंध, महिला महिला का संबंध सिर्फ इतना ही है कि हम भाई और बहन कहलावे और कुछ नहीं है? फिर अगर ऐसा है तब तो शादी कहाँ करेंगे हिंदू संस्कृति के हिसाब से? तो कोई माँ बाप नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा, तो समाज का क्या होगा, इस पीढ़ी का? किस तरीके से हमारे दिमाग में खाँचा बनाया, खाँचे का ही शायद ये असर है कि जब मैं बोलने आया तो मैं भी उसका शिकार हो गया और अंत में कहा नहीं आपका भी दिन, क्योंकि हम हमेशा समाज को एक बाइनरी में देखने की आदत हो जाती है, या तो महिला कहेंगे या पुरुष कहेंगे, उसमें बीच में जो चीज़ें आती है उसकी बात हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो जेंडर का सवाल है, जेंडर का सवाल सिर्फ महिला या पुरुष का सवाल नहीं है, जो महिला और पुरुष नहीं है ये उसका भी सवाल है, और जस्टिस का सवाल पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी। इसीलिए मेल और फीमेल से बियॉन्ड एक शब्द बनाया गया है जेंडर, और जेंडर की बात अगर हम करें और मेल फीमेल की बात करें तो इसमें एक फर्क, औरत और मर्द होना एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकता है, इसमें मेल 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 या फीमेल बोलते हैं, लेकिन औरतें पैदा होती नहीं, औरतें समाज में बनाई जाती हैं, क्योंकि औरतों का ब्लड ग्रुप कुछ और होता जो कि पुरुषों से अलग होता, औरतों की हड्डियां कुछ अलग होती जो पुरुषों से अलग होती, उसका कंपोजिशन कुछ अलग होता, ऐसा होता कि औरतों को पीटने पे आंसू नहीं निकलता, आँख से खून गिरने लगता, वही कंपोजिशन है उसके भी आंसू का। कहने का मतलब ये है कि एक जो बायोलॉजिकल सिमिलरिटी है, कुछ डिससिमिलरिटी भी हो सकती है, उसको आप किस तरीके से सोशली कंस्ट्रक्ट करते और फिर बाउंड्री तय करते हैं कि देखिए आप 11 बजे के बाद बाहर नहीं निकले, थोड़ा मोटरेट हो गया है, इससे पहले तो आप बाहर ही नहीं। इसके साथ साथ आप भ्रूण हत्या पे जब आप बात करें, इस देश के अंदर तमाम समस्या और यही दिक्कत है, दिक्कत यह है जेएनयू का कि यह देश की समस्याओं पे बात करता है, विमर्श छेड़ता है, इसीलिए आज हमारे इस विमर्श को खत्म करने के लिए हमको एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि आपका
इतनी मार का नेशनलिज्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक्चुअली एरर हो सकता है, माफ़ी भी मांग लेते हैं, ठीक है गुजवलकर नहीं मुंजे गए। मोदी जी जाएं या जेटली जी जाएं, गया तो भाजपा ही ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मुंजे जी आकर के इस देश में नेहरू जी को समझाए होंगे, अरे मुंजे जी आकर के गोलवलकर जी को ही बताए होंगे, आरएसएस का ही मैनिफेस्टो तैयार किए होंगे ना। ये हमेशा क्या करते हैं, बाल का खाल लेकर, जैसे इन्होंने कहा कि कहता है गरीब का बेटा आज महंगा जैकेट पहने हुए है। अभी मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ इनको, बस आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमने कहा कि अगर इनको बता दूँ कि इनके ही राजनाथ की पुलिस ने वो जैकेट दिया है ना। पेट काट करके जो जैकेट हमने खरीदा था उसको वो बचा ना पाए, तो ठंड में बिना जैकेट का रहते नहीं थे, जैकेट दे दिया। अब इन छोटी छोटी बातों पे ये विमर्श करना चाहते हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इनको हम पर अधिकार से कोई नहीं आता। इसीलिए आज 8 मार्च है और हमारे कैंपस के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत माता की जय सुसुप्ता अवस्था में चले गए हैं, एक भी आदमी इस मार्च में दिखाई नहीं दिया। ये है पोजीशन, ये पोजीशन है इनका कि ये जनता के बुनियादी सवाल पे नहीं बोलेंगे। इस देश के अंदर, समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उस पर ये सवाल नहीं उठाएंगे। ये क्या करेंगे, ये सूडो नेशनलिज्म का अभ्यास करेंगे। और ये बात मैंने बार बार कहा है कि नेशन हमेशा नेशन के लोगों से बनता है, कोई हवा में लटकी हुई चीज़ नहीं है। नेशन महज शब्द नहीं है, नेशन महज ज्योग्राफी नहीं है, उस सीमा के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति है, उसका पहचान है। लेकिन इनको तो पुरुष के अलावे और किसी पहचान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं, अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी है। अरे भाई अर्धांगिनी नहीं है, उसका अपना पूरा अंग है और वो तुमसे उसके बाद देखो पतिव्रता नारी, पति परमेश्वर, ये सब काम करना भारतीय स्त्री का परम धर्म है। तुम भारतीय स्त्री को जानते हो कि भारत की स्त्री कौन कौन रही है? भारत की स्त्री वो भी रही थी कल्पना दत्त, जो अंग्रेजों का डिग्री लेने से मना कर दी थी। भारत की स्त्री वो भी रही है कि डिग्री लेते हुए अंग्रेजों पर गोली चला दी थी। भारत की स्त्री सिर्फ वही नहीं है जिसकी परिभाषा तुम करते हो, घूंघट में लिपटी हुई, शर्म से झुकी हुई, वो तो है, वो एक मसला है। ये महिलाओं की अपनी आज़ादी है कि वो किस तरीके से रहना चाहती हैं। हमारा सवाल सिर्फ एक है कि महिलाएं अपना तरीका खुद तय करेगी, अपना शर्त खुद निर्धारित होते हैं निर्धारित करने वाले। और ये निर्धारित करने की जो परंपरा है साहब, इसी से तो आज़ादी चाहते हैं कि महिलाएं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सके, वो अपने तरीके से अपने साथी को चुन सके। नहीं तो तुम्हारे जातिवाद के खिलाफ बोलने का क्या नाटक है? जब तुम महिलाओं के आज़ादी के पक्ष में नहीं खड़े होंगे, वह किससे शादी करना चाहती है? शादी अपनी जाति में करना चाहती है कि अपनी जाति को दूर कर करना चाहती है? अपने धर्म में करना चाहती है, अपने धर्म को छोड़ कर करना चाहती है? ये आज़ादी महिलाओं की आज़ादी होगी। इसके साथ साथ और सुन लीजिए, महिलाएँ सिर्फ शादी ही करने के लिए नहीं बनी है, उसकी इच्छा हो तो वो शादी ना भी करे। नहीं, महिला हो तो शादी तो करना ही पड़ेगा, बहुत अच्छी बात। इस तरह के जो शर्त थोपे जाते हैं, हमको लगता है कि 8 मार्च को एक मूवमेंट पूरी दुनिया में बना, आज उस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और वह डिस्कोर्स आगे बढ़ता है और उसी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस की होती है। और यूनिवर्सिटी कैंपसेस में इसीलिए कहा गया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस का काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना। लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं,
लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल के, हम ये बोलेंगे कि देश की सुरक्षा सीमा पर खड़े लोगों की है, लेकिन हम यह भी बोलेंगे कि वॉर में आप रुवांडा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, एक साथ खुले मैदान में हजारों हजार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, ये आज की भी घटना है। अफ्रीका के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जब एक एथनिसिटी का एक एथनिक ग्रुप से रिलेटेड सेना या मिलिट्री जब दूसरे ऊपर हमला करती है तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। जितनी भी दलित एट्रोसिटी की घटना हुई है उसमें यह बात सामने आया है कि पहले महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया फिर उसकी हत्या की। गुजरात का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, न सिर्फ उनको मारा जाता है पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तय करना चाहते हैं? हम विद्यार्थी हैं, हम अगर पढ़ते हैं, हम अगर सीखते हैं, हम समझते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हम एबीवीपी की तरह चुप्पी मारकर नौकरी लेकर ड्यू में एडहॉक पाकर सिर्फ इतनी ही अपनी शिक्षा समझना? क्या शिक्षित होने का ये मतलब है कि हमने जो सीखा है, हमने जो समझा है, हम अपने समाज के लोगों को बताएं कि हमारे समाज में क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, कहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के नाम पे किस तरीके से लॉ का मिसयूज किया जा रहा है, किस तरीके से महिलाओं को पकड़ करके कस्टडी में उसके साथ रेप किया जाता है भाई साहब। और सिर्फ कस्टडी की ही बात नहीं है, जिसको पति परमेश्वर कहा जाता है, इस देश में मैरिटल रेप भी किया जाता है। ये भी है। और इसीलिए हम सिर्फ लिंग की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ महिला पुरुष की बात नहीं कर रहे, हम जेंडर की बात कर रहे हैं। एक आंकड़ा सामने आया है, जो बच्चों के साथ यौनाचार होता है उसमें लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है जो बच्चों के साथ यौनाचार होता है, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं उसको लेकर के माँ बाप थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन लड़कों को लेकर के सोचते हैं कि चलो चाचा के साथ मामा के साथ सो जाओ, फिर उसके साथ यौनाचार की घटनाएँ होती हैं। बड़े उम्र के जो लड़के हैं वो बच्चों के साथ यौनाचार करते हैं। ये हमारे समाज का सच है भाई साहब। अगर इस सच पे आप बोलेंगे नहीं, अगर इस समस्या को आप देखेंगे नहीं, तो इस समस्या के खिलाफ आप लड़ेंगे नहीं, और समाज के अंदर जो बुराई है तो बोले बिना और आवाज उठाए बिना आप इसको ठीक नहीं कर सकते। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, एक मेरे ऊपर बंदिश है कि मुझे नहीं बोलना है, लेकिन इस देश की जो सरकार है उसका अपना इंटरप्रिटेशन है, वो तो कुछ भी बोल दे। हम आज 8 मार्च को महिलाओं के हक अधिकार के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए मार्च कर रहे हैं। जब हम महिलाओं के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हमको करना पड़ेगा, कानून के अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं उसका एक क्रिटिकल असेसमेंट हमको करना पड़ेगा। या तो आप हमें इंसान रहने दीजिए, या हमारे इंसान होने का दर्जा ही छीन। और ये कोशिश भी आपने की है, ये कोशिश में आप कामयाब भी हुए हैं कि आज रोहित वेमुला हमारे साथ हैं। क्या कह रहे हैं लोग, सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग रोहित के नाम पर राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। एक सीधा सा सवाल, बहुत सीधा सा पहला सवाल यह है कि उसको लाश बनाया किसने लाश बनाया उसको, और हम आज उसके नाम पर कोई राजनीति नहीं कर। जब रोहित जिंदा था मैं नहीं जानता था, मेरी मुलाकात नहीं थी, मेरी बात नहीं। इधर के दिनों में लोगों ने मुझे दिखाया है, 13 सितंबर को रोहित ने मेरा प्रेसिडेंशियल स्पीच शेयर किया। ये कनेक्शन होता है इस देश के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद होता है। हमको प्लीज हमारे आइडियोलॉजिकल खांचे में मत बांधिए। हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे डिफरेंसेज हैं, लेकिन इस देश को बचाने के सवाल पे, लोकतंत्र को बचाने के सवाल पे, संविधान को बचाने के सवाल पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। और आपको लगता है कि एक ये प्रोफाइलिंग हुआ, उम्र के बारे में प्रोफाइलिंग की गई है, इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि कन्हैया होकर देश विरोधी नारा कैसे लगा सकते, राम कन्हैया है देश विरोधी नारा कैसे लगा। ये प्रोफाइलिंग की जाती है
कि लड़का है लड़की के हक की बात क्यों कर रहा है। ये प्रोफाइलिंग की जाती है कि बिहार का आदमी है नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर पे क्यों बोल रहा है। इस तरीके की प्रोफाइलिंग को हम रिजेक्ट करते हैं और हमें कहना चाहते हैं हम आज़ाद हिंदुस्तान के जोर देकर बोलना चाहता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जो सवाल है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उससे आज़ादी के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे और उस देश के अंदर जितने सवाल हैं, जितने प्रॉब्लम हैं, उसको लेकर के ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि उसे हम निजात नहीं पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को एक बार शुक्रिया अदा करते हुए बातें करूँगा। शुक्रिया इनकलाब जिंदाबाद।